गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं निकला हूँ बिलरियागंज, आज इधर जा रहे हैं। इधर का तो गए थे एक दो बार ब्लॉक साइड में, तो आज प्रॉपर इधर ही जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम होता है। और आज संडे है तो कॉलेज जाना नहीं है, तो सोचे थोड़ा घूम ले। और घूमने का मन भी कह रहा था सुबह सुबह, पता नहीं कैसे मूड डिस्टर्ब था, और फिर सोचे घूमे तो निकले हैं मंजिल किला। देखते हैं कि क्या क्या होता है। अभी देखो पूरा मार्केट सन्नाटा है, आपको दिखाते हैं बैक कैमरा करके। मार्केट कैसे सन्नाटा है गुरु, सही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और अभी सूरज नहीं उगा है। सुबह के बज चुके हैं 6:30, और मैं इस समय बिलरियागंज जो है सदर ये हॉस्पिटल है, यहाँ का लगभग ब्लॉक का अस्पताल है, ऐसा कुछ है। और अगर आप हमारे कॉलेज के जितने छात्र हैं, अगर कभी बीमार होते हैं, ऐसे बीमार ना हो माता रानी करें, लेकिन बीमार होते हैं तो यहाँ आके दिखा सकते हैं। हम अभी बीच में एक लोग को लेकर आए थे जिनका नाम मैं इसमें नहीं इंक्लूड करना चाहता, तो यही उनका ऑपरेशन हुआ था, यही था ब्लॉक। इधर मेडिकल की दुकानें हैं, लेकिन सब लोग बोल रहे थे ये लूटते बहुत ज़्यादा, मतलब एक का दुगना लेते हैं। मेरे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है ब्लॉक पे, लेकिन ये है कि यहाँ पे है ऐसा कुछ लूटते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आजमगढ़, और अभी भी रोड पूरा खाली ही है, दूर दूर तक कोई नहीं है, एक कुत्ता तक नहीं है। कुछ लोग आ जा रहे हैं, अभी से सुबह होने लगी है। तो बिलरियागंज का ये माहौल, ये अस्पताल से ब्लॉक से जो है अस्पताल से निकला, देख रहे हो सुबह का नज़ारा। काश मेरे इलाहाबाद के कुछ मित्र होते हमारे सामने साथ ही इस समय, तो मज़ा आ जाता गुरु, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ने और परिस्थिति ने ऐसे उठा के मुझे ला के पटका आजमगढ़ में, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वांचल में मैं कभी आना नहीं चाहता था, ऐसा कुछ मेरे अंदर खौफ था या जो भी है, क्योंकि पूर्वांचल बोली भाषा की वजह से और अदर की वजह से सब पूरा हमारे उधर साइड नहीं चलता। मेरा तो अवधी है, और मुझे मेरा यही चाहती कि मुझे बाराबंकी या गोंडा या बस्ती या जो अयोध्या या बहराइच, इधर हमारे अवध साइड, या सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, जितना मेरा पूर्वांचल का इलाका है, मुझे अवध का इलाका है, मुझे उधर कॉलेज मिले। लेकिन भाग्यवश बी फार्मा का भी मुझे कॉलेज आजमगढ़ में ही मिला था, जबकि मैंने उसको दूसरा प्रेफरेंस डाला हुआ था बी फार्मा, लेकिन ये है कि फिर मुझे आजमगढ़ मिला था, और इसके बाद पुनः मुझे आजमगढ़ मिला, तो सही है, मुझे मलाल नहीं है अब तो। और चल रही है पढ़ाई, इधर देखो मार्केट बहुत कम ही है, हो सकता है अभी खुले जो है, लेकिन ये कि इधर कम है। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आपका यात्रा मंगलमय हो, नगर पंचायत। मुझे तो ये सुनने में आया है कि ये जो है आजमगढ़ से भी बड़ा मार्केट हो गया, और ये महानगर में घोषित कर दिया गया। आजमगढ़ इससे ज़्यादा छोटा मार्केट है, और कुछ लोग बता रहे थे कि बिलरियागंज में जो है आजमगढ़ से ज़्यादा वहाँ की जो है ज़मीन उमीन हो चुकी है यहाँ पे बिलरियागंज में, तो ऐसे मुझे भी लगा कि काफ़ी मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट है बिलरियागंज। आप यहाँ अधिकतर कोई भी सामान हो तो खरीद सकते हैं। ऐसे तो मुझे बहुत ज़्यादा इस मार्केट के बारे में नहीं पता है, लेकिन जितना मैं सुना हूँ या जितना एक महीना डेढ़ महीना रहते हुए हो गया, तो लोगों ने जितना बताया कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, और मिल भी रहा है, इसे जितना मेरे आवश्यक दैनिक जीवन है की चीज़ें हैं वो तो मिल ही रही हैं, प्लस ये भी कुछ है लगभग, जो भी है क्या कहते हैं उसको, मंदिर, क्या मंदिर नहीं, मुझे पता नहीं। और मुझे लगता है कि मैं 2 से 3 किलोमीटर पैदल चला आया हूँ, और मुझे अब लगता है कि लौट जाना चाहिए, क्योंकि आगे पता नहीं कैसे क्या हो, और मेरा पैर भी दर्द करने लगा, क्योंकि एड़ी मेरी फट गई है, ठंडी मेरी एड़ी फट जाती है पता नहीं कैसे, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ बीच में तालाब है, ऐसे स्थानों पर मुझे जाना बहुत पसंद है। ये मंदिर है, छोटी क्या बहुत बड़ी मंदिर है, और हमारे सभी व्यूअर का भगवान भोलेनाथ का है, भंडारे का दिन नहीं निर्धारण है, बहुत बड़ी मंदिर है। मंदिर जो है ये बीच में तालाब है, ये सब मुझे देखने में बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मैं जब से इलाहाबाद रहने लगा हूँ ये सब देखने नहीं मिला, तो इधर काश मेरे इलाहाबाद के मित्र होते और यहीं हम सब बैठ के जो है हरामी पंथी करते तो ज़्यादा मज़ा आता। हरामी पंथी मतलब, देख रहे हैं सुबह का नज़ारा,
कुछ सामान यहाँ गिरा हुआ, उससे मुझे लग रहा है कि इधर जो है छठ वठ मनाया गया था अभी हाल ही में, क्योंकि दीपावली अभी जस्ट बीती हुई है। और इधर भी पूरा गांव गांव है, जो मुझे बढ़िया लगा। और मुझे लगता है अब चलना चाहिए, क्योंकि मेरी भाई मेरा दातून करने का मन है, क्योंकि मेरी मम्मी इस बार डांट रही थी कि ब्रश करते करते जो है ना किया करो, गांव में हो तो थोड़ा दातून कर लिया करो। लेकिन दातून मिली नहीं, और मैं यही चक्कर में निकला था कि चलेंगे दातून करेंगे, इसके बाद जो है अपना नाश्ता करके इधर ही से चला जाएगा। लेकिन न दातून मिली और न मैं ब्रश किया अभी तक। देखते हैं कहीं दातून को पाते हैं तो फिर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गांव में रहने से क्या क्या फ़ायदा है। मतलब फ़ायदा क्या कि शुद्ध चीज़ मिलता है। ऐसे आजमगढ़ का पानी जो है मुझे ख़राब लगा, मुझे फिर आरओ का पानी लेना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब भी लेता, लेकिन यह है कि कुछ ज़्यादा गाँव की अपेक्षा जिस हिसाब से गाँव में सही रहना चाहिए पानी, उस हिसाब से सही नहीं। ये क्या है, मंदिर में कुछ लगा वगा हुआ है बजाने वाला। इतना दूर कॉलेज, मैं मार्केट से एकदम हट के चला आया हूँ और काफ़ी दूर आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ। जे दातून नहीं मिल रही है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो संगम मैरिज हॉल, देख रहे हो कितना दूर तक आए हैं। गांव की मैंने जो है नींब की दातून तोड़ ली है और अब इसको करेंगे, ऐसा पूरा बड़ा ही है भाई। इससे जो सुख मिलता है वो आपके को किसी भी टूथपेस्ट में नहीं मिलेगा। और मेरे टूथपेस्ट में नमक भी नहीं है, लेकिन तब भी ये फ़ायदेमंद बहुत है। और हमें लगता है कि हेलो आज का हवा सामान ले ला, हवा हवा जी ले ला एक पा हवा हवा आओ ना जाके जाके वाले माल आना हुआ। अच्छा झूठ 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 कहाँ झूठ झूठ। तो नाश्ता कर लिए हैं, देखा जाता है आज का दिन का क्या क्या रूटीन रहता है, क्या क्या खाने मिलता है और क्या क्या होता है पूरा दिन, आपको दिखाते रहते हैं। तो जय हिंद, जय इंडिया, रेलो, जय प्रयागराज, जय समुद्र नगरी, जय।